हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आरोहन में। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसी सेक्शन में स्पोर्ट्स से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। As we all know how big this tournament is, this football world cup is very big tournament and that is why it becomes very important from an exam point of view. So we will cover all the information which will or can help you prepare better for the upcoming examination. So let's kick off then. FIFA World Cup 2018, Russia. This tournament is organized by FIFA. Before we move forward, let's understand what is FIFA. FIFA is an association which describes itself as an international governing body of association football, futsal and beach soccer. And it is also responsible for the organization of major international tournament of football such as football world cup. तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि FIFA फुटबॉल के लिए वही है जो ICC क्रिकेट के लिए है। अभी हम फीफा के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक पे और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी रियली अप्रिशिएट योर कम्युनिकेशन विथ अस। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस एंड सजेशन कि आप हमसे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2018 के कुछ डिटेल्स, टूर्नामेंट की डिटेल्स। ये 21st फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। फीफा ने 2018 वर्ल्ड कप के लिए होस्ट नेशन रशिया को चुना है और ये टूर्नामेंट 14th ऑफ जून से लेकर के 15th ऑफ जुलाई तक चलेगा। 15th ऑफ जुलाई को जो फाइनल मैच होगा उसका वेन्यू है लुज़्निकी स्टेडियम जो कि मॉस्को में है। इसी स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच को भी खेला गया था जो कि रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच था, जहाँ पर रशिया ने 5-0 के मार्जिन से सऊदी अरेबिया को हरा दिया था। इन दिस वर्ल्ड कप देयर विल बी 32 टीम्स विच विल पार्टिसिपेट एंड विल प्ले ईच अदर इन द टोटल ऑफ 64 मैचेस इन दिस मंथ लॉन्ग टूर्नामेंट। इन दिस वर्ल्ड कप देयर आर टू टीम्स, आइसलैंड एंड पनामा, विच विल मेक देयर वेरी फर्स्ट अपेरेंस इन द वर्ल्ड कप। इससे पहले इन दोनों कंट्रीज़ ने कभी भी कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेला है। वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें खेलेंगी ये डिसाइड करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर मैचेस ऑर्गेनाइज करती है और हर वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों को क्वालिफायर खेलकर ही वर्ल्ड कप में खेलने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, जिस साल भी वर्ल्ड कप जिस कंट्री में खेला जाता है, दैट मीन्स द होस्ट कंट्री, they will automatically qualify for the World Cup. This year in 2018 a very big team, Italy, missed out on the World Cup for the very first time in 60 years of their football history. Since 1985 they have played each football World Cup. This time they couldn't qualify, so they missed out. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि FIFA World Cup एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत ही लार्ज टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइज मनी भी उसी स्केल की होगी। इस टूर्नामेंट की टोटल प्राइज मनी है 400 मिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से 38 मिलियन यूएस डॉलर विनर को दिया जाएगा और रनर अप टीम को मिलेगा 28 मिलियन यूएस डॉलर। बाकी सभी टीम्स को भी टूर्नामेंट में उनकी स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्राइज मनी दिया जाएगा। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में, उसको होस्ट किया था ब्राज़ील ने। इस टूर्नामेंट को 3.4 मिलियन व्यूवर्स ने देखा था, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट व्यूवरशिप है। अगला वर्ल्ड कप जो कि 2022 में खेला जाएगा, उसका होस्ट नेशन कतार है और उसके बाद जो वर्ल्ड कप खेला जाना है जो कि होना है 2026 में, उसको तीन कंट्रीज़ जॉइंटली होस्ट करने वाली हैं जो कि हैं कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप को नॉर्थ अमेरिका होस्ट करने वाला है। इससे पहले भी यूएस
1994 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। उस वर्ल्ड कप में यूएस ने एक रिकॉर्ड बनाया था व्यूअरशिप के मामले में। उस वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप थी 3.6 मिलियन, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। तो ये थी इस टूर्नामेंट की कुछ डिटेल्स। चलिए अब देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 का ऑफिशियल लोगो क्या है। ऑफिशियल लोगो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। दिस लोगो वॉज अनवील्ड ऑन 28th of October 2014 एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेडियम, और इसके बाद इस लोगो को प्रोजेक्ट किया गया था मॉस्को के एक थिएटर जिसका नाम था बोलशोई। ब्रांडिंग के लिए इस वर्ल्ड कप में एक टाइप फेस डिज़ाइन किया गया था। टाइप फेस, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो फॉन्ट, जिसको नाम दिया गया था दूषा। आप लोगों में जो वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से वो लिखा हुआ है, वही टाइप फेस डिज़ाइन किया गया था स्पेशली इस वर्ल्ड कप लोगों के लिए, इस वर्ल्ड कप के लिए। और इसको रशिया ने नाम दिया है दूषा। दूषा का रशियन भाषा में मतलब होता है सोल। इस टाइपफेस को डिज़ाइन करने वाली कंपनी, क्रिएट करने वाली कंपनी पोर्टुगीज़ डिज़ाइन एजेंसी है, जिसका नाम ब्रांडिया सेंट्रल है। और इन्होंने इस टाइपफेस को डिज़ाइन किया था 2014 में। अब देखते हैं मैस्कॉट क्या है इस वर्ल्ड कप का। 2018 वर्ल्ड कप के मैस्कॉट को नाम दिया गया है जॉबीवा का, जो कि एक वुल्फ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप के मैस्कॉट की अनवेलिंग 21st of October 2016 को हुई थी। एक वुल्फ को मैस्कॉट चुनने के लिए पब्लिक वोटिंग का सहारा लिया गया था, जिसमें दो अदर चॉइसेस थे, अ कैट एंड अ टाइगर। वुल्फ जॉबीवा का वन द वोटिंग विद 53% ऑफ वोट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन वोट्स। जॉबीवा का वर्ड का रशिया में मीनिंग होता है टू स्ट्राइक। और इस मैस्कॉट की ऑफिशियल बैक स्टोरी है कि ही इज एन एस्पायरिंग फुटबॉल प्लेयर हु इज चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड सोशल। अब बात करते हैं ऑफिशियल मैच बॉल की। आपके स्क्रीन पे आप एडिडास के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ वर्ल्ड कप 2018 में खेला जाने वाला मैच बॉल देख पा रहे हैं। इस मैच बॉल को नाम दिया गया है टेलिस्टार 18 एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम एंड डिज़ाइन ऑफ द फर्स्ट एडिडास वर्ल्ड कप बॉल फ्रॉम 1970। द मैच बॉल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9th November 2017। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2018। ऑफिशियल सॉन्ग का नाम है लिव इट अप। इस सॉन्ग में आपको विल स्मिथ, निकी जैम और ईरा इस्तरेफी की आवाज़ सुनाई देगी। इन तीनों ने ये सॉन्ग मिलकर गाया है। इस सॉन्ग को, ऑफिशियल सॉन्ग को 25th ऑफ मई को रिलीज़ किया गया था, और इसका म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया गया था 18th ऑफ जून को। हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है, वो यही ऑफिशियल सॉन्ग है लिव इट अप। इस वर्ल्ड कप को 12 अलग अलग स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि रशिया के 11 शहरों में है। आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है, उसमें सिटीज़ और स्टेडियम के नाम आप देख सकते हो, साथ में स्टेडियम की कैपेसिटी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। तो ये इस वर्ल्ड कप की वेन्यूज़ और स्टेडियम की इन्फॉर्मेशन हो गई। इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस में आपको कोई भी बात इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसे मैं एक और बात फिर से कहूँगा, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें। योर ओपिनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। Have a great day.